स्वागत है लहरे पर और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका एक गाना रिलीज हुआ है, एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के प्यार से, बहुत ही हम अच्छा अच्छा लगा। हमारी एक गुड लक है, दोनों सुपरस्टार के साथ में हमारे काम करने का मौका मिल रहा है, एक दिनेश लाल निरहुआ जी, दूसरा केशरी लाल जी, तो दोनों बहुत बहुत ही अच्छा इंसान है, प्यारा इंसान है। केशरी लाल जी ऑफिस में भी आया, हमारी ऑफिस के सारे स्टाफ सारे एम्प्लॉयज़ को इतना प्यार दिया, तो हमें लगता नहीं कोई सुपरस्टार है, हमारी तरह एज ब्रदरहुड ही उन्होंने शो किया है, तो काम करने के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। जी, कैसा लगा आपको उनसे मिलके, आपके ऑफिस आए थे जैसे आपने कहा, कैसा रहा आपका, आपकी उनके साथ पहली मीटिंग कैसी रही? फर्स्ट मीटिंग तो केशरी जी, तो हमें लगा नहीं जी कोई स्टार है, हमें लगा जस्ट एक ब्रदर है, ब्रदरहुड, सारे हमारी एम्प्लॉयज़ को स्टाफ्स को इतना प्यार दिया सब लोग के साथ में, ज़बरदस्ती सेल्फी, ज़बरदस्ती वीडियोज़ फोटोज़, तो हमें लगा नहीं जब कोई बाहर की कोई आया, हमें लगा ऑफिस की एक पार्ट है, बहुत ही अच्छा लगा। क्या बातचीत हुई, आपने कुछ शेयर किया या उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ शेयर किया? हाँ, काफ़ी काफ़ी बातचीत हुई है उनके, उन्होंने आए तो उनका भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, जब प्रोड्यूसर के पॉजिटिव वाइब्स अंदर से वाइब्स कैसा मिलेगा मुझे, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट अस, तो उन्होंने लास्ट हमारी सबसे अच्छी बात क्या, हमारी वन रुपीज में हमारी एग्रीमेंट होगा से, जो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो पैसा के लिए वो भी सिनेमा नहीं कर रहे और पैसा के लिए हम भी सिनेमा नहीं कर रहे, इट एक यूनिक एग्रीमेंट है, जस्ट फॉर 1 रुपीज ही एग्रीड टू साइन आवर मूवीज। क्या बातचीत हुई, कैसी फिल्म के का ऑफर आपने उनको किया है या उन्होंने किस तरह की कहानी आपसे एक्सेप्ट की है? उन्होंने तो कई कहानी एक्सेप्ट किया, हमने हमारी बेस्ट स्टोरी देंगे, जो कोशिश करेंगे सर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी चॉइस, उनकी एटीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, करेक्टर के हिसाब से मैच करे, ऐसा कोई अच्छा स्टोरी और यूनिक रहे, कंटेंट ऑडियंस को इंटरेस्टेड रहे, ऐसा स्टोरी बन रहा है, ऑलरेडी होमवर्क चल रहे हैं इसके ऊपर। क्या जैसे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आप नहीं है, आप ज्यादा जानकारी आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आपने नई शुरुआत की है, फिल्म बनाने के लिए, तो क्या केशरी जी की कोई फिल्में या गाने आपने देखे, उनसे मिलने के पहले, उनके मिलने के बाद? नहीं, मैंने कहा कि कुछ देखा नहीं, मैं जस्ट यूट्यूब एंड गूगल सर्च किया है, तो उनकी इतना फैन फॉलोइंग है, उन भोजपुरी इंडस्ट्री इतना एडिक्टेड है केशरी जी के प्रति, तो उनको हमें लगे उनको कुछ भी अगर कोई कुछ भी कंटेंट क्रिएट करते तो उनकी जो फैंस है सारे एडिक्टेड हो जाते हैं वो देखने के लिए, तो अगर रेगुलर कंटेंट में इतना इंटरेस्ट शो करे, अगर हम अच्छा कंटेंट दे तो वो फैन तो दे विल क्रेजी एंड मैड, तो हम साथ ही कुछ अच्छा दे उनकी फैंस को और क्रेजी और मैड करे, तो बहुत अच्छा से उनको भी प्यार मिले, हमें भी प्यार मिले फैंस की। क्या कोई कहानी अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन कहानी के ऊपर सिलेक्टेड काम चल रहा है, राइटर के बारे में हम सोच रहे कौन सा राइटर, टॉप 3 राइटर्स की हमने लिस्ट मांगा है, टॉप 3 डायरेक्टर्स के भी लिस्ट मांगा है, तो हम बहुत जल्दी इसके फाइनलाइज करेंगे। तो क्या सिर्फ अभी खेसारी जी डिसाइड हुए फिल्म में, और भी इसके अलावा भी कोई स्टार कास्ट या टीम मेंबर्स या डायरेक्टर या कोई भी और भी कोई केशरी जी तो सिलेक्टेड हो गया, हम सोच रहे अक्षरा सिंह के लिए, सेकेंड डायरेक्टर लाल बाबू पंडित के लिए सोच रहे, तो दैट इज सेमी फाइनलाइज्ड, दे आर फाइनलाइज्ड, पूरा नहीं है फाइनलाइज्ड, ओनली केशरी जी हुआ है। जी,